पीके को। परिपक्व होने में अभी समय लगेगा और फिर आपकी सारी चिंताएं स्वयं ही हल हो जाएंगी। ये आंसू चिंता के नहीं, असहजता के हैं महादेव, असहजता के हैं महादेव, असहजता के हैं महादेव। कैसी असहजता देवी? ब्रह्मांड में सबकी बात समझने वाले महादेव अपनी पत्नी के आंसुओं का कारण नहीं समझ पाए। प्रेम में कैसा द्वंद्व देवी, यदि मैं कुछ नहीं समझ पा रहा तो आप समझा दीजिए। प्रेम की बात भी करते हैं और प्रेम के सम्मान के लिए ध्वनि भी नहीं उठाते, ध्वनि भी नहीं उठाते, ध्वनि भी नहीं उठाते। अब मैं पार्वती के समक्ष आपको पराजित करूंगा महादेव। कैलाश का स्वामी बनूंगा मैं और कैलाश की स्वामिनी को अपनी स्वामिनी बनाऊंगा। नहीं देवी, इस पार्वती पर केवल महादेव का अधिकार है। मेरा तन, मेरा मन, मेरा पूरा जीवन केवल मेरे शिव का है। उस भस्मासुर ने जब गरिमा की सीमा लांघी, मेरे मान सम्मान को घात किया तो क्रोध से धधक उठी ये पार्वती। मन किया कि पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश कर दूं, सर्वनाश कर दूं, सर्वनाश कर दूं। फिर अधिशक्ति होने का बोध हुआ, मन और आचरण दोनों शांत हो गए। इतना क्रोध उचित नहीं देवी। पीड़ा का आभास नहीं कर सकते, क्रोध का कारण नहीं समझ सकते, तो मुझे समझाने की चेष्टा भी मत कीजिए महादेव। रुक जाइए देवी, रुक जाइए देवी। क्यों क्यों रुकूं मैं? क्योंकि आपका मन और आपके केश दोनों उलझ गए हैं देवी। आइए मैं दोनों को सुलझा देता हूं। महादेव ने अपने गण से तुम्हारा युद्ध तुम्हें हरवाने के लिए किया था ताकि वो सबके सामने तुम्हारा अपमान कर सके। तुम्हारे पास जो भी बल है उसका दंभ करके देवताओं का राजा बनने का स्वप्न छोड़ दो पुत्र। हर वो मार्ग जो लक्ष्य तक पहुंचाए उचित होता है। मैं स्वर्ग लोक जीतने का प्रयास एक बार फिर से करूंगा, फिर वो पथ महादेव को उचित लगे या ना लगे। अपनी इस तलवार से अपना शीश काट, ब्रह्मदेव को चढ़ाओ। तुम्हारी सर्वोच्च आहुति से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए तो ठीक, वरना समाप्त हो जाओगे।
जैसी आपकी आज्ञा असुर माता। ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए? अमरता का वरदान तो आप मुझे दे नहीं सकते, तो मुझे दो वरदान ही दे दीजिए। एक वरदान तो ये दीजिए, मेरी मृत्यु दो बार हो तो ही मैं मरूं, और दूसरा वरदान मेरा पुत्र सबसे शक्तिशाली हो। रंभ ने अपना शीश चढ़ाया है आपको, मनचाहा वरदान तो आपको देना ही पड़ेगा ब्रह्मदेव। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तुम्हें दो बार मृत्यु मिलेगी, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, पर तुम्हारा पुत्र अति बलशाली होगा। इसलिए प्रातःकाल सबसे पहले तुम्हें जो भी स्त्री मिले उससे विवाह कर लेना। धन्यवाद असुर माता, आज आपके ही कारण मुझे वरदानों की प्राप्ति हुई है। बताइए मैं इसका ऋण कैसे चुका सकता हूँ? मैं चाहती हूँ कि तीनों लोग तुम्हारे सामने नतमस्तक हो। लेकिन असुर माता, ये होगा कैसे? मेरा साथ देकर, तुम्हारा पराक्रम और मेरी युक्ति साथ मिलकर हर असंभव को संभव कर सकते हैं। ना वो आदि शक्ति हमें रोक पाएगी और ना ही शिव। आदेश दीजिए असुर माता, मुझे करना क्या होगा? सबसे पहले तुम प्रातःकाल उस पत्नी की खोज करो जो तुम्हारा दूसरा वरदान पूरा करेगी, तुम्हें एक शक्तिशाली संतान देगी। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का, बंधन से शिव पार्वती के, एक
दूज में विले एक दूज की हेले एक दूज बिन दूर है सदा कब रोकी है रोक जो सकेगी बाधा कोई शिव शिवम बटुकनाथ शिवोहम शंकरा शिव भिषव शक्ति शक्ति शून्य शिव बिना एक रूप अर्धनारीश्वरा शिव अपूर्ण है शक्ति स्वयं पूर्ण है ऐसा प्रेम डोर है जो टूट जा है ये एक दूजे से है ये एक दूजे में केश तो सुलझ रहे हैं महादेव परंतु मन की उलझन का क्या? नारायण कहते हैं कि स्त्री के मन को सुलझाना हो तो उसका प्रारंभ स्त्री के केशों को सुलझाने से करना चाहिए देवी। नारायण क्या महादेव से आपने कहा ये? मैंने ऐसा कब कहा देवी? कुछ स्मरण सा नहीं आ रहा है किंतु बात तो सत्य है। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार प्रातः काल मुझे जो भी स्त्री मिलेगी उसके साथ विवाह कर लेना है परंतु यहाँ कोई है ही नहीं। तुम्हें शक्तिशाली पुत्र देने वाली कन्या साधारण नहीं हो सकती। वो शंखचूड़ की पत्नी तुलसी की भांति अलौकिक ही होगी जिसकी पवित्रता की शक्ति शंखचूड़ का अभेद्य कवच बनी हुई है। फिर भी उसने देवताओं से संधि का मार्ग चुना। तुम्हें भी उस तुलसी की भांति कोई विलक्षण स्त्री चाहिए और उसके लिए तुम्हें धैर्य तो रखना ही होगा। स्त्री के मन को सुलझाना हो तो उसका प्रारंभ स्त्री के केशों को सुलझाने से करना चाहिए देवी। यहाँ क्या कर रही हैं देवी? देख रही हूँ आपके कथन में कितना सत्य है। एक स्त्री के केश सुलझाने से उसका मन सुलझता है या नहीं महादेव? जब भी मेरा मन उलझेगा मैं आपके पास आ जाऊंगी। आप मेरे केश सुलझा दीजिएगा मन भी अपने आप सुलझ जाएगा। अवश्य देवी। वैसे हमारा पुत्र कैसा है? रात्रि में आपको उलाहना तो नहीं दिया? नहीं, वो गणों के साथ फूल तोड़ने गया है। यदि प्रसन्न है तो एक बात कहूं।
आप कार्तिक से प्रेम से बात कीजिएगा। आप स्वयं तो उसके साथ कठोर व्यवहार करते हैं और मुझे प्रेम का पद दिखा रहे हैं। देवी, पिता होने का यही तो अर्थ है। पिता शब्द जितना कठोर होता है, पिता उतना ही कोमल। संतान को सदमार्ग पर लाने के लिए पिता का निर्णय कठोर अवश्य हो सकता है, परंतु संतान को प्रेम करने वाला हृदय वो कोमल ही होता है। एक संतान को भले ही आपकी कठोरता दिखे, परंतु ये संसार एक पिता की सौम्यता अवश्य देखेगा महादेव, अवश्य देखेगा महादेव, अवश्य देखेगा महादेव। मैं भी कार्तिकी को देखकर आई। आपका परम शत्रु आ रहा है महादेव, आ रहा है चमचूड़ आपका अंत करने, चमचूड़ आपका अंत करने, चमचूड़ आपका अंत करने। महादेव का संहार करने का यही एक मार्ग है। शुम निशुम, तुम दोनों को वर मिला है कि तुम्हें केवल एक स्त्री ही मार सकती है, इसीलिए तुम नारायण और ब्रह्मदेव को रोकोगे। तुम मेरे आसपास ही रहोगे, ध्यान रहे कि मुझ पे पीछे से कोई प्रहार ना करे। महादेव का सामना मैं स्वयं करूंगा, महादेव का सामना मैं स्वयं करूंगा, महादेव का सामना मैं स्वयं करूंगा। किंतु शिव आपसे युद्ध करेंगे क्यों? शिव का अस्त्र अति भयावह परिस्थिति में ही उठता है। तो कल मैं ऐसी ही भयावह परिस्थिति उत्पन्न करूंगा। तुम सब कल की तैयारियां आरंभ करो। जाइए और महादेव से युद्ध कीजिए, महादेव से युद्ध कीजिए, महादेव से युद्ध कीजिए। जब तक आप वापस नहीं आ जाते, तब तक मैं निरंतर नारायण का जप करती रहूंगी, मैं निरंतर नारायण का जप करती रहूंगी। मेरी पतिव्रता शक्ति आपकी रक्षा करेगी। जब तक मेरे पति विजयी होके नहीं लौटते, तब तक ये दिए मेरे हथेलियों पे इसी प्रकार जलते रहेंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अनंत रूपी शिव का अंत आ रहा है। पीछे हटाने के लिए आगे नहीं बढ़ाए महादेव, युद्ध के लिए सज रही है। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं।
इस शब्द, इस भाव, इनसे सदैव बचने का परामर्श दिया जाता है। क्रोध तब पुण्य के द्वार खोलता है जब वो धर्म और मर्यादा की रक्षा करता है, और सहनशीलता, जिसे भावों में सबसे उत्तम माना जाता है, वो पाप बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा की रक्षा ही ना कर पाए। इसलिए सदैव धर्म और सदकर्म की राह पर चलें, मर्यादा की रक्षा करें, फिर चाहे सहनशीलता को त्याग कर क्रोध ही क्यों ना करना पड़े।